राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। तेज रफ्तार कार ने 10 थानों की नाकाबंदी तोड़ी है। 50 से ज्यादा नाके थे, उन्हें तोड़ा है। श्यामनगर थाना पुलिस को कामयाबी मिली है। करीब 2 घंटे बाद पुलिस को सफलता मिली है। 1 दर्जन पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर कार को रुकवाया है, पकड़ा है। कार सवार बदमाशों ने संतरा मीना की गाड़ी को टक्कर मारी है। घटना में गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। इसके बाद संतरा मीना ने कूदकर बदमाशों को पकड़ा और श्याम नगर सब्जी मंडी के पास कार को पकड़ा गया है। कार सवार 4 युवक और 2 युवतियों को पकड़ा गया है। युवकों में एक लूट का आरोपी भी शामिल है। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से आपको बता रहे हैं। 10 थानों की नाकाबंदी तोड़कर एक कार तेज रफ्तार में राजधानी जयपुर में दौड़ी है, जिसको श्यामनगर पुलिस ने पकड़ा है। पकड़े गए युवकों में एक लूट का आरोपी भी बताया जा रहा है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दो घंटे से एक फॉर्च्यूनर कार है जो करीब 5 थाना पुलिस को 2 घंटे से छका रही थी, मगर यहां पर एटलीस्ट श्यामनगर थाना पुलिस है। इसके अलावा जो साउथ जिले की जो 5 थाना पुलिस की जो टीम थी, उन्होंने आकर के यहाँ पर जो 2 घंटे से जो फॉर्च्यूनर कार थी जो छका रही थी पुलिस को, उसको यहाँ पर दबोच लिया है। श्यामनगर ये सब्जी मंडी की ये जो घटना है, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर ये पूरे कार जो पकड़ में आई है यहाँ पर, और तस्वीरों में देखेंगे कि आप ये जो कार है पूरी ये फॉर्च्यूनर कार है, और यहाँ पर कितने डिवाइडरों को तोड़ते हुए, नाकाबंदियों को तोड़ते हुए जो कार है वो यहाँ पर दौड़ लगा रही थी, भाग रही थी। इसके अंदर 3 जने थे जो इसके अंदर, इस कार के अंदर बैठे हुए थे, मगर यहाँ पर एटलीस्ट जब पुलिस ने जब नाकाबंदी कराई तो करीब 10 जगह इसकी नाकाबंदी कराई गई, मगर ये जो कार थी 10 नाकाबंदियों को तोड़ते हुए यहाँ पर पहुंची। और एटलीस्ट यहाँ पर जो पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी, वो लगी है श्यामनगर सब्जी मंडी के पास, और यहाँ पर जो कार चालक है उसको यहाँ पर दबोच लिया है। और तस्वीरों में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पुलिस की टीम है लगातार उसे इंट्रोगेशन कर रही है यहाँ पर मौके पर। और जो युवक सामने नजर आ रहा है आपको तस्वीरों के अंदर, ये वही शख्स है जो कार चला रहा था और बिल्कुल नशे में धुत बताया जा रहा है ये युवक है। फिलहाल यहाँ पर जो पुलिस है इससे पूछताछ कर रही है, लेकिन इतना जरूर है कि इस युवक के साथ में 2 से 3 जने और बैठे हुए थे, मगर पुलिस को देख वो यहाँ से फरार हो गए। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर ACP रामगोपाल जी, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह पूरी ये कार्रवाई की गई है और उसको इसको कार को यहाँ पर कैसे पकड़ा गया है। सर क्या घटनाक्रम रहा कार का, थोड़ा बताएंगे गाड़ी के अंदर सर क्या घटनाक्रम रहा, सर कार क्या घटनाक्रम, पता कर रहे हैं, एक बार पता कर रहे हैं पूरा, फिर पता लगते ही आपको बता देंगे। तो बिल्कुल अभी यहाँ पर पता किया जा रहा है, फिलहाल प्रारंभिक स्टेज है, यहाँ पर इसको पूछता, यहाँ पर उससे पूछताछ चल रही है। मगर एक बड़ी बात यह है कि कोरोना वायरस का जो प्रकोप चल रहा है उसके चलते पूरे शहर के अंदर लॉकडाउन किया गया है। बस लॉकडाउन के दौरान अचानक से कार है जो दिल्ली नंबर की कार है, ये कार यहाँ पर आई और जयपुर शहर के पूरी पुलिस फोर्स को यहाँ पर हिला करके रख दिया। और पिछले 2.5 से 3 घंटे से यहाँ पर लगातार जो कार थी पुलिस को लगातार परेशान कर रही थी। पुलिस ने यहाँ पर जो 5 से 6 जो थाना पुलिस की जो टीम थी वो लगातार यहाँ पर पीछा कर रही थी, मगर बावजूद उसके इस जो युवक थे जो बदमाश था इसको कहीं बिल्कुल भी खौफ नहीं था पुलिस को और इसी के चलते ये लगातार कार को भगाया जा रहा था। एटलीस्ट यहाँ पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लग गई है। फिलहाल पुलिस से पूछताछ करिए, पूछताछ के बाद में इसे पता चलेगा कि आखिरकार युवक है जो कहाँ से आया था। कुल मिलाकर के कहा जाए तो एक बड़ी सफलता यहाँ पर कही जाएगी। 3 घंटे बाद आखिरकार पुलिस ने इस कार को पकड़ लिया, साथ में कार चालक को भी दबोच लिया है। कैमरा पर्सन रामकृष्ण सैनी के साथ यादव शर्मा, A1 TV न्यूज जयपुर।